I forgive and even more those who I know. Assalamu alaikum guys. Walaikum assalam. Toba, thara mood kharab kar diya. This is your boy Rahat Ali Arwain. Raat 2 baje soya, subah 6 baje utha di, aankhein bhi aise soji hui hain, fir bhi नींद ही पूरी नहीं। अभी 18 घंटे की और ट्रैवलिंग है, तब हालत नहीं होगी तो भैया क्या होगी। खैर अभी बस अपना सामान उठाया और जाके गाड़ी में बैठे हैं शश के, फिर 18 घंटे की ट्रैवलिंग हो, इतना लंबा सफर यार। खैर 18 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम अपने घर पहुंचेंगे, फिर आराम से मजे वाली नींद करेंगे। पहले आपको रूम टूर दे देता हूँ भाई। ये हमारा बेड था, यहाँ पे दो बंदे थे, मैं और नुमान, यहाँ पे इरफान भाई सोए थे। तीन बंदों का रूम था, छोटी सी एलसीडी, छोटा सा रूम है पर अच्छा है, एसी है। ये हमने अभी नाश्ता किया था, बस अभी हम चल रहे हैं। तो हमने अपनी पैकिंग वगैरह कर ली। घर जाने के बाद दो तीन काम है, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है, उसके बाद पेपर्स की डेट आ गई थी वो एक्सटेंड हो गई है, ये भी अच्छा हुआ, वरना 7 तारीख थी। वैसे भी मैं 3-4 दिन पहले पहुंच जाता पेपर्स, वो थोड़ी एक्सटेंड हो गई है। और फिर और जाके देखते हैं, बस पहले तो नींद पूरी करनी है, उसके बाद के काम बाद देखेंगे। तो अब चले हैं, पैकिंग वगैरह भी हो गई, टी वगैरह भी ले लिया। आज हम जा रहे हैं अपनी पुरानी दुनिया में वापस, फिर वही काम, दूध लाओ, दही लाओ, ये करो वो करो, गेट खोलो गेट बंद करो, कश्मीर के चश्मे ले लिए, घूम लिया, दोबारा वापस जा रहे हैं। खैर घर तो एक ना एक दिन तो जाना है, जा रहे हैं वापसी। यार कश्मीर बहुत अच्छा था यार, बहुत मजा आया। इस्लामाबाद से निकले हुए 1 घंटा हो गया तकरीबन, ये वही जगह जहाँ पे हमने इस्लामाबाद पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर तकरीबन थोड़ा सा दूर हमने यहाँ पे खाना खाया था, लंच किया था। लंच हमने पीछे किया था, यहाँ पे सिर्फ हम रुके थे एंड में, जब सामान ऊपर रखा और यहाँ से हमने क्लिक्स विक्स लिए थे, उसके बाद चाय वाय पी थी। ये वो जगह है, पहला स्टॉप हो गया, कम से कम 1 घंटे बाद हो गया, 100 किलोमीटर इस्लामाबाद से बाहर आए होंगे अभी तक। बस रेडी है, जिसको जहाँ जाना था वो सब वहाँ चले गए, कुछ वॉशरूम में गए, कुछ अपना रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, तो हम भी जाएँ बैठे अभी। I forgive and even more those who I need than it takes. How long I've been missing you. यहाँ से फ्यूल वगैरह भराना था वो भरवाया, और जिसने रिफ्रेशमेंट करनी थी दोबारा रुके थे यहाँ पे, बड़ा मार्ट था यहाँ से, जिसने रिफ्रेशमेंट करनी थी सबने रिफ्रेशमेंट वगैरह की, अब दोबारा सारे रिफ्रेश हो गए, अब आगे जा रहे हैं। बहुत लंबा सफर है पर जल्दी जल्दी तय हो रहा है, वहाँ के जो सफर थे वो बहुत देर से तय हो रहे थे, छोटे सफर थे। तो भाई तकरीबन 3 बज रहे थे, हमने कोई टूल क्रॉस किया था, उसके फौरन बाद हमारी बस रुक गई, गर्म हो रही थी बहुत ज्यादा, तो अली भाई ने रोकी और चेक किया कि भाई वो गर्म हो रही थी। उसके बाद 2 मिनट में मोटरवे पुलिस भी आ गई, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, हमने बताया भी गाड़ी गर्म हो गई, फिर उन्होंने कहा कि सब लोग अंदर बैठ जाओ, एक दो बंदा ही गाड़ी को चेक करे। उसके बाद भाई थोड़ी दूर में पानी वानी डाला, गाड़ी सेट हो गई और फिर हम वहाँ से निकल गए। वहाँ पे यार गाड़ी खराब हो गई थी, वो गर्म हो गई थी, वहाँ पे पानी वानी डाला, अब आगे जाए। लंच का टाइम हो रहा था, एक रेस्टोरेंट मिला हाईवे के ऊपर, यहाँ पे हम लंच करेंगे। यार लंच टाइम का ब्रेक था, हमने सबने लंच वच कर लिया, नुमान अभी वहाँ पे जिसने जो लेना था वो ले लिया और फ्री फ्रेश हो गए भाई। इतना लंबा ट्रैवल है यार, मतलब थक गए पीछे हाईवे। पिछली बार हमने कहीं हाईवे पे लंच वच नहीं किया था, इस बार हमने किया हाईवे पे लंच। अभी भी यहाँ से हमारा 12 घंटे का ट्रैवल है कम से कम, क्योंकि आधा ट्रैवल भी अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, अभी हम 2 घंटा और ट्रैवल करेंगे फिर जाके हमारा आधा रास्ता कम्प्लीट होगा। बीच में गाड़ी खराब हुई, वहाँ थोड़ी देर खड़े हो गए, पीछे थोड़े टाइम ट्रैफिक पुलिस आ गई, वहाँ खुआरी हुई थोड़ी देर, इतनी गर्मी भाई यहाँ पहुंचे, अब देखो कहाँ कहाँ से पसीना आ रहा है। हम उस तरफ जाते हैं, हम कहते हैं अरे ठंड हो रही, जैकेट पहन दे, अगर वो यहाँ पे आए ना उस साइड के लोग तो वो कहेंगे ये देखो पसीना आ रहा है, अरे वाह इधर पसीना आ रहा है सिंध में। तो भाई तकरीबन 12 बजे के करीब हम मेट्रो खास के करीब पहुंच गए थे, और जो रास्ते के लोग थे वो सब उतर रहे थे और सब सो रहे थे, जल्दी जल्दी उठे, सबने अपना सामान वगैरह उठाया और वो निकल गए। मेरे पास आ गया 30 मिनट का रास्ता है, जो रास्ते में वो सब उतर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आ जाओ रात यहाँ पे, भाई आप लोग जाओ हमें भी घर जाने दो। फिर भाई मेरे पास आने वाला था, हमने भी अपना सामान वामान समेटा और सामने मेरे पास का क्यूपर स्टैंड दिखा और हमने पैकिंग हमारी हो चुकी थी, बस उतरने के लिए रेडी थे। बेहतरीन ट्रिप रहा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, पहुंच गया बेहतरीन तरीके से, अल्लाह ने पहुंचाया। चले हम घर घर, गुड नाइट, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कुछ 16-17 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद पहुंचे मेरे पास।
ट्रिप अलाज करम सा बेहतरीन रहो यादगार थे एंजॉय कई सब मजा वरता से जबरदस्त वरी कदे हलनो नेक्स्ट टाइम कदे हलनो हां आया थी हुई इंशाल्लाह अल्लाह दी फिलहाल हाथ कटो फिलहाल सफर तमाम बेहतरीन रहो सुठन दोस्तन जी खबर पाई जी एकड़ो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जेकने के मानो के सुनाणो है तो उनसा ता पैसे जी देती लेती करियो ए सफर करियो ए डी से शायद मको विसरे भाई ए सो सफर तो कयो थी उनमें बिल्कुल दोस्तन जी यारन जी खबर पाई थी बेहतरीन सफर रहो हां माशाल्लाह जबरदस्त थैंक यू This arrogance is gonna lead you into the endless pain. Portraying bad deeds, missing the fight time. 1:20 हो गए फाइनली तो बहुत थक गए फ्रेश होके सोना है अल्लाह हाफिज़.